चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमको बोला जाता है कि 2 sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta minus 3 in the bracket sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta plus 1 is equals to 0। देखिए ये अगर मुझे 0 लाना है तो मुझे पक्का पता होना चाहिए। ध्यान से इधर देखिए थोड़ा सा। देखिए अगर ये प्लस 1 है तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये पक्का क्या होना चाहिए, माइनस। तो कुछ ऐसा करो कि ये क्या आ जाए, माइनस 1, वो प्लस 1 उधर बैठा रहेगा और आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए क्या करता हूं, मैंने LHS लिया, 2 मेरा ऐसे ही है और इस sin की पावर 6 थीटा को मैं क्या लिखता हूं, थीटा को होल sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं। 3 2 जा 6 हो जाता है वापस, ओके, प्लस स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ओके। ये 2 बस इतने में मल्टीप्लाई है ना, तो इसको ऐसे मैं बंद कर लेता हूं ब्रैकेट में, ओके। उसके बाद माइनस 3 इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा का होल साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, ओके। तो अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं, देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, देखिए 2 इन द ब्रैकेट, देखिए a की जगह कौन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए समझ में आ रही है आइडेंटिटी, a जैसा कौन बिहेव कर रहा है, sin स्क्वायर थीटा, और b जैसा कौन बिहेव कर रहा है, cos स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या चलेगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इधर ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a इनटू b मींस व्हाट, sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा और प्लस b का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में यहां से यहां तक लिखा है किसकी वैल्यू है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब में 2 मल्टीप्लाई लगा था, इसलिए पूरे को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई लगा हुआ है, और अभी बचा हुआ है हमारे पास कुछ, क्या बचा हुआ है, माइनस 3 इनटू sin की पावर 4 थीटा ब्रैकेट में प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए ये 2 ऐसे ही रहेगा इन द ब्रैकेट, यहां पे ध्यान दें अगर हम लोग, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 इनटू, और इस ब्रैकेट में देखिए क्या बन जा रहा है, इस ब्रैकेट में ध्यान दें, इसको ओपन कर दीजिए, ये यहां पर लग जाएगा तो cos की पावर 4 थीटा, या नहीं ओपन कर रहे हैं तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये ऐसा हो गया, कोई डाउट है इसमें बताइए। और बच्चा क्या है हमारे पास, माइनस 3 इनटू ब्रैकेट में साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस 1 लास्ट में, सबसे कोई डाउट है बताइए इसमें, हाँ। अब ध्यान से इसमें देखिए, ये 1 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा ब्रैकेट होगा, ठीक। तो इस 1 को मैं यहां से हटा सकता हूं, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर पूरा, अब ये वाला ब्रैकेट भी देखिए मैं हटा सकता हूं, ये 2 इसमें पूरा मल्टीप्लाई होगा ऐसे अंदर जाके, ठीक है ना, नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा 2 ऐसा मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इनटू cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या बचा है मेरे पास, माइनस 3 इनटू sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो
यहाँ पे देखिए ये टू टाइम्स है ना, जैसे मान लो टू एक्स स्क्वायर लिखा हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, समझ में आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू, इसको मैं नीचे छेड़ूंगा ये ऐसे ही रहेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, अच्छा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए माइनस थ्री इंटू, अब ये ब्रैकेट थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस थ्री साइन की पावर फोर थीटा माइनस प्लस माइनस थ्री की पावर सॉरी थ्री इंटू कॉस की पावर फोर थीटा और प्लस वन तो बैठा ही हुआ है, कोई डाउट है इसमें बताइए। अब यहाँ देखिए मैं किसको किसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है ना, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस की पावर फोर, इसको ऐसे ही मैं बना लेता हूँ, ये हो गया कॉस की पावर फोर थीटा, ठीक। इधर देखिए इसको साइन की पावर फोर थीटा हो जाएगा ये। अब जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन है, डबल वाले के साथ ऑपरेट होंगे, सिंगल लाइन वाले के साथ ऑपरेट होगा, और ये फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, फॉर्मूला बना रहा है नहीं बना रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये नोट कर लिए, हाँ ये शुरुआत का नहीं नोट किए, नोट करिए इसे, इसी तरीके से इन दोनों को देखिए, साइन की पावर फोर थीटा प्लस का है और साइन की पावर फोर थीटा माइनस थ्री टाइम्स है, तो माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका लगेगा माइनस का, तो माइनस टू टाइम्स साइन की पावर फोर थीटा, ये हो गया। उसके बाद वन अभी बचा ही हुआ है, उससे नहीं देखते हैं। ये जो है ध्यान से देखिए जो चीजें बच गई हैं, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस, इसको मैं पास पास लिख लेता हूं पहले, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और क्या बचा हुआ है प्लस का वन, तो ये बचा है प्लस का वन। अब देखते हैं हम लोग यहां पे देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, देखिए फॉर्मूला हम इस तरीके से बना सकते हैं कि इसमें हम टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दें और टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें, या नहीं ऐसे भी नहीं करते। ओके ओके, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, अभी और भी ऑपरेट होने की संभावना है, कैसे, ये वाला स्क्वायर यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा पावर फोर, तो ये हो गया पावर फोर, और यहां पर आएगा तो ये भी बना देगा पावर फोर, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, कॉस की पावर फोर तो माइनस प्लस
माइनस साइन किसका लगेगा, माइनस का cos की पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, साइन की पावर 4 थीटा, और माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसमें आपको कौन सा साइन कॉमन दिखता है, माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ में आया मैंने क्या किया, इस पूरे में मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। नाउ अब यहीं पे ध्यान से देखिए, इस cos स्क्वायर cos की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इस sin की पावर 4 थीटा को sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, दिस इज बिहेविंग लाइक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पर a कौन है cos स्क्वायर थीटा और b कौन है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया माइनस, तो यही रहेगा, और यहां पे ध्यान दें ये पूरा मिलके क्या बना देता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप एक स्टेप पीछे जाएंगे एक्सपैंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा प्लस 1। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल माइनस, ऐसे ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर। तो ये इस तरीके से हम करेंगे, इसमें कोई आराम से इसकी प्रैक्टिस करिए, आराम से ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना लाना है 1। बहुत इजी, बस आप प्रॉपर्टी याद रखिए u प्लस v क्यू, तो इसको हम LHS देखिए ले लेते हैं, आराम से बन जाएगा ये। इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 इनटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ए की जगह कौन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह कौन आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब मैं करूंगा तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, a स्क्वायर माइनस ए बी, या नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिख लीजिए a स्क्वायर का स्क्वायर सॉरी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस a इनटू b, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का
स्क्वायर, ओके ये हो गया। और आगे क्या बच रहा है हमारे पास, प्लस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, वन, ये वन हो जाएगा, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ये पूरा क्या बन गया वन, तो वन इंटू इन द ब्रैकेट, इधर ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ रहा है बट टू ए बी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे टू ए बी एड और टू ए बी सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर इसको ले लिया मैंने प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और क्या किया टू इंटू ए इंटू बी, देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी मैंने ऐड किया और जगह नहीं मैं नीचे लिख रहा हूं टू ए बी, मैं क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, ठीक, और बैठा कौन था पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको ऐसे उतार लेते माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और क्या बच रहा है प्लस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कोई डाउट है बताइए, बस ये आया है टू ए बी एड और टू ए बी सब्ट्रैक्ट, ओके। देखिए ये वन आगे बैठा हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पे ऐसे ही रहेगा ये, और देखिए ये यहां से लेके यहां तक ये फॉर्मूला बना देता है इसका, बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों को देखिए लाइक टर्म्स है, माइनस टू इंटू एक्स इंटू वाई और माइनस एक्स इंटू वाई, माइनस थ्री टाइम्स एक्स इंटू वाई, ये देखिए कॉमन लेना है इसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साइन किसका लगेगा माइनस का, ठीक है, तो माइनस थ्री इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और आगे क्या बचा है हमारे पास प्लस थ्री इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहीं पर देख लीजिए आगे कोई माइनस माइनस तो बैठा नहीं है इसलिए हम इस कर्ली ब्रेसेस को हटा सकते हैं, ठीक, इसे भी हम हटा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है वो हमारा क्या बन गया वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, और वन का स्क्वायर क्या होता है वन, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया माइनस थ्री इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या चल रहा था प्लस थ्री इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दीज टू गेट्स कैंसिल और आंसर क्या आ गया हमारा वन, व्हिच इज इक्वल्स टू आरएचएस, यही हमको लेके आना था, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हम करेंगे और इसमें एक और बच रहा है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं बार बार प्रॉपर्टी लगती है।